लोगों का वेलकम करते एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है तो वीडियो आज शूट कर रहा हूँ आउटडोर। तो आया हूँ थोड़ा मॉर्निंग वॉक पे, तो क्यों ना सोचा आपके लिए कुछ वीडियो बना दी जाए। तो आज आपको लेके चलेंगे नर्सरी पे, देखेंगे कि इस समय बरसात का टाइम आ गया और हमें कौन कौन से प्लांट देखने को मिलते हैं। तो वीडियो में अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो जल्दी आपके लिए नई नई वीडियो हम और भी लेकर आएंगे। अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो फ्रेंड्स, हम नर्सरी पे आ गए हैं, तो अभी आपको एक एक करके सभी तरह के प्लांट दिखाएंगे और उनके रेट भी आपको बताएंगे। तो नर्सरी पे आते ही चारों तरफ जो है ग्रीन एकदम माहौल देखने को मिलता है और यहाँ ठंडक भी बहुत रहती है। तो पहले नंबर आप देख सकते हैं, ये है स्पाइडर प्लांट, और देख सकते हैं ये अगर आप एक लगाते हैं ना तो कई प्लांट हो जाएंगे, और ये नर्सरी पे आपको 30 रुपये 50 रुपये ऐसे मिल जाएगा। डिपेंड करता है आप किस एरिया में आपकी नर्सरी है, उस हिसाब से इसके रेट ज़्यादा या कम होते हैं। तो आपको मिनिमम 50 रुपये में ये आपको स्पाइडर प्लांट मिल जाएगा। अब ये देख सकते हैं, ये है क्रिसमस ट्री के नाम से जाना जाता है इसको, और ये छोटा सा प्लांट है देख सकते हैं, जो कि 8 इंच के गमले में लगा है। ये गमला देख सकते हैं 8 इंच का गमला है, और इसकी जो प्राइस आपको बता दें तो ये 100 रुपीज़ का प्लांट है, आप देख सकते हैं। और अगर आप इसके बड़े साइज का प्लांट लेना चाहते हैं तो वो आपको 150-200 रुपये तक मिल जाएगा। और ये प्लांट जो दिखा रहे हैं ये आप फुल सनलाइट में ना रखें, पूरे दिन की जो सनलाइट डायरेक्ट आती है ना मई जून की, उसमें इसके जो लीव होते हैं वो बर्न हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो आप इसे सेमी शेड में रखें तो बहुत ही अच्छे से ये प्लांट चलेगा। आपको फिर दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं छोटे साइज का प्लांट है, 100 रुपीज़ और 8 इंच के गमले में है। आप इसको जब भी घर पे ले जाएं तो तुरंत इसको दूसरे गमले में शिफ्ट ना करें, कुछ दिन इस गमले में रहने दें, उसके बाद फिर इसको गमला चेंज करें, तो ये प्लांट आपका ख़राब नहीं होएगा। बहुत लोग यही गलती करते हैं कि प्लांट ले जाके तुरंत उसको दूसरे गमले में शिफ्ट करते हैं, इससे प्लांट आपका जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इधर देखिए, इधर आप देख सकते हैं ये कुछ खूबसूरत यहाँ पे प्लांट बनाए गए हैं, जो कि डेकोरेट किए गए हैं, आप देख सकते हैं। आप भी इस तरह से अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं, प्लांटों के छोटे छोटे प्लांटों को लगा सकते हैं। ये देखिए बोनसाई है, और ये प्लांट देख सकते हैं, इसमें छोटे छोटे प्लांट लगाए गए हैं और इसमें स्टोन भी रखे गए हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है। और ये सब अगर आप बना बनाया लेंगे तो काफ़ी महंगा मिलेगा आपको, जैसी खूबसूरती होगी उसकी तो उसी हिसाब से इसके रेट ज़्यादा या कम होते हैं। और अगर आप इसका एक एक प्लांट आप नर्सरी से बाय करके और ख़ुद बनाते हैं ना तो काफ़ी खूबसूरत बनेगा, और कम पैसों में भी आप ऐसे खूबसूरत बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इधर सैकुलेंट है और एक साइड में बोनसाई है। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप ऐसे छोटे छोटे सैकुलेंट या फिर ऐसे मिनिएचर प्लांट आप कैसे खूबसूरत बना सकते हैं अपने घर में। ये देख सकते हैं बोनसाई, और ये स्टोन है, और छोटे छोटे स्टोन डाल रखे हैं। तो हमने ये भी बताया था कि स्टोन आपको क्या रेट में नर्सरियों पर मिलेंगे, तो इसकी वीडियो आप चेक कर सकते हैं। और इधर देखिए ये बेबी जो बुद्धा है, ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये लग रहा है। तो आप भी इस तरह से आप बना सकते हैं अपने घर पे, और इस तरह के आपको गमले मैं दिखाते ही रहता हूँ कि आपको नर्सरी पे मिल जाएंगे। तो कुछ दिन बाद मैं आपको फिर दिखाऊंगा कि ऐसे हम खूबसूरत कैसे बना सकते हैं, अपने प्लांट डेकोरेट कर सकते हैं। तो आपको हमारी वीडियो कोई भी मिस नहीं करनी, कोई भी वीडियो जितनी हम वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं आप उन्हें देखा कीजिए, काफ़ी नॉलेज वाली वीडियो हम लाते हैं, इससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि नर्सरी पे क्या रेट मिल रहा है और क्या रेट में हमें कौन कौन सी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फेस वाला जो कि पोट है, और इसमें मनी प्लांट लगा हुआ है जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रखा है। और ये सब आप देख सकते हैं, ये सब जो होते हैं ड्राइंग रूम के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, आप ऐसे डेकोरेट कर सकते हैं।
तो अब चलते हैं दूसरे प्लांट के तरफ, देखते हैं हमें क्या क्या और देखने को मिलेगा। तो इधर देख सकते हैं आप, इस तरह के अगर आपका टेरेस गार्डन है तो इस तरह के आप जो कि टॉयस ले सकते हैं, इसे टॉयस ही कहेंगे आपको अपने गार्डन को खूबसूरत बनाने के लिए। तो अभी प्लांट कुछ नए आए हैं और जिस टॉयस की बात कर रहा था वो ये है। और इधर देखिए ये है क्रोटोन, तो आप देख सकते हैं। और इसको देखिए रेड कलर की मिट्टी में लगाया गया है। और इसके लीव देखिए, ये जब आते हैं ना कहीं दूसरी जगह से, बड़े बड़े फार्म हाउस से, तो वहाँ आते डैमेज हो जाते इसके लीव। बाकी इनमें कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे इसके लीव आपको ख़राब लग रहे हो। तो आप देख सकते हैं इसके पत्तों का एक अलग ही जो खूबसूरती है आप देख सकते हैं। और ये जो प्लांट मैं दिखा रहा हूँ वो आप इंडोर ही रखें, ये आउटडोर नहीं चलेंगे। तो आप देख सकते हैं ये 10 इंच के गमले में लगे हुए हैं। और जो प्लांट की प्राइस है वो है 150 रुपये। आपको 150 रुपये में क्रोटोन का प्लांट आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। और देख सकते हैं गमला काफ़ी हल्की मिट्टी है इसमें, तो आप मिट्टी कभी भी चिकनी मिट्टी ना लें, और हो सके उसमें रेत और थोड़ी कंपोस्ट मिला के ऐसे प्लांट लगाएं। और घर पे ले जाते ही प्लांट को मैंने आपको पहले ही बताया कि इनसे छेड़छाड़ ना करें, नहीं तो इनके लीव जो होते हैं वो बहुत जल्दी जलने लगते हैं और प्लांट सरवाइव नहीं कर पाता है। और ये सब छाए वाले हैं, तो जितना ये छाए में रहेंगे उतने ही इनके खूबसूरत लीव दिखेंगे। तो देख सकते हैं इनके लीव्स जो है कितने खूबसूरत हैं। तो आप इस तरह के प्लांट भी अब बाय कर सकते हैं जो कि 150 रुपये। और अगर आपके एरिया में हो सकता है कि ये रेट कम हो या फिर हो सकता है ज़्यादा हो। तो इधर आते हैं, ये है सिंगोनियम। तो ये है छोटे से 4 इंच के पोट में लगे हुए, तो देख सकते हैं इस तरह का पोट है। और इसमें से मैं एक बाय करूँगा, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, तो देख सकते हैं। और इस जो पूरा गमला समेत जो प्लांट है इसकी जो प्राइस है वो है 50 रुपीज़, यानी कि 50 रुपये में आपको इस तरह का पोट मिल जाएगा। और अगर आप इसको जो अभी मैंने दिखाया था डेकोरेट, तो उस तरह से अगर आप इसको डेकोरेट करना चाहते हैं तो इसमें से इसका रूट बॉल निकाल के और कई प्लांट लगा के आप उसमें स्टोन लगा के काफ़ी खूबसूरत बना सकते हैं। तो अब देखते हैं आगे हमें क्या क्या प्लांट देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस समय बरसात के समय अगर आप नर्सरी पे विजिट करते हैं तो आपको कई तरह के प्लांट देखने को मिल जाते हैं। तो अब चलते हैं आगे। और प्लांट तो हमें बहुत दिख रहे हैं, कई प्लांटों के तो हमें नाम भी नहीं पता है जो कि समय समय पे चेंज होते रहते हैं। तो देख सकते हैं ये भी प्लांट है, इसका भी नाम मुझे नहीं पता है क्या नाम है। नर्सरियों पर अब इतने प्लांट आ गए हैं कि हमें उनके नाम ही नहीं पता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो ही इतनी, और जल्दी मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको जाते जाते ये प्लांट दिखा देते हैं जो स्पाइडर प्लांट है। स्पाइडर प्लांट की फैमिली से बिलोंग करता है, स्पाइडर प्लांट नहीं है, और काफ़ी लंबा ये प्लांट हो जाता है, 2-3 फीट हाइट हो जाती है इसकी। और ये भी आपको 50 रुपीज़ नर्सरी पर मिल जाएगा। तो आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करें। और इसके लीव्स देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत हैं। तो जल्दी आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा नर्सरी की। तब तक अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखिए।